हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, आपके ही अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम ग्रीक ग्रू में आज हम बात करने वाले हैं जो मुकाबला होने वाला है FPC और SK के मध्य में, इसके बारे में पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे दोस्तों। कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, प्लेयर परफॉर्मेंस के बारे में देखेंगे दोस्तों कि लास्ट प्लेयर परफॉर्मेंस क्या रहा था, और दोस्तों साथ में हम चर्चा करने वाले हैं कि कौन सी आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए सबसे अच्छी चॉइस हो सकती है और कौन सी आपके लिए स्मॉल लीग के लिए सबसे अच्छी चॉइस हो सकती है। लेकिन दोस्तों उससे पहले, यदि अभी आज तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना है, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है दोस्तों। और जो T10 के मुकाबले होने वाले हैं, DPS, TDA, FPB, और दोस्तों इन दोनों की आपके लिए मैं यहाँ से टीम का डायरेक्ट फाइनल प्रीव्यू हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप प्लीज़ टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं यहाँ पर हम यहाँ से वेन्यू के बारे में। तो वेन्यू के बारे में यदि चर्चा करें दोस्तों, तो यहाँ पर फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 130 रन, सेकंड इनिंग्स 120। कल के मैच में आपने देखा होगा कि एक लो स्कोरिंग मैच हुआ था, जो दोस्तों टीम की हाईएस्ट रन स्कोरर टीम है वो भी आपके लिए यहाँ से सस्ते मार आउट हो गई थी। सेकंड इनिंग्स में बल्लेबाजी करते हुए मात्र 82 रन ही है बना पाई थी, फर्स्ट इनिंग में भी 128 बने थे। जैसा कि बोल रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर विकेट जरूर दोस्तों आप देख सकते हो, टोटल 17 विकेट पूरे मैच में गिरे थे। तो जैसा कि मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, बॉलरों को विकेट मिलते हैं, स्कोर बने तब भी विकेट मिलते हैं, स्कोर नहीं बने तब भी विकेट मिलते हैं, तो आप ऑलराउंडर और बॉलिंग सेक्शन पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो कि हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और विकेट आपके लिए यहाँ पर नेचुरल है, ना ज़्यादा दोस्तों यहाँ से बॉलर को मदद करती है और ना ही दोस्तों आपके लिए यहाँ से बल्लेबाज को ज़्यादा मदद करती है। चलिए देखते हैं दोस्तों यहाँ से इनकी संभावित 11 और बैटिंग ऑर्डर के बारे में। नेथन कॉलिंस आपके लिए ओब्रायन के साथ ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे, हालांकि सेकंड लास्ट मैच में ओब्रायन नहीं खेले थे, तो इन्होंने की जगह ओपन दोस्तों दूसरे बल्लेबाज ने किया था। यहाँ से गहलर ने आपके लिए ओपन कर दिया था, लेकिन आप दोस्तों ये खेलेंगे तो आपके लिए ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे। भाई नेथन कॉलिंस दोस्तों आपके लिए पूरे टूर्नामेंट में अच्छी फॉर्म में है, तो आप इन्हें अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। आप इनका रिसेंट परफॉर्मेंस देख सकते हो, 15, 45, 57, 25, मतलब एक अच्छा स्कोर कर ये दे रहे हैं, तो आप इन्हें अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। भाई ओब्रायन ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए दोस्तों, एक मैच में जरूर उन्होंने 70 किए, एक में 40 किए, उसके बाद लास्ट के दो मैचों से फेल चल रहे हैं, लेकिन आपके लिए अच्छा पिक हो सकता है, तो आप इन्हें अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। जैक गॉडविन दोस्तों जो कि एक शानदार फॉर्म में दिख रहे हैं, आप इन्हें अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, एक अच्छे ऑलराउंडर हैं। शुरुआत में इन्होंने थोड़ा सा स्ट्रगल यहाँ से किया था दोस्तों, इनसे गेंदबाजी कम कराई गई थी शुरुआत के दो मैचों में, लेकिन उसके बाद लगातार गेंदबाजी कर रहे हैं और विकेट भी आपके लिए निकाल रहे हैं। उसके अलावा पीटर गेहलर आप इन्हें अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, एक मैच में दोस्तों सेकंड लास्ट में ओपन किया, तो उसके अलावा टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी कर रहे हैं और गेंदबाजी भी ये शानदार करते हैं। लगातार आप देख सकते हो दो दो विकेट निकाले हैं दो मैचों से, हालांकि लास्ट के दो मैचों में इन्हें विकेट नहीं मिला था, लेकिन उससे पहले भी दोस्तों इन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी, तो आप यहाँ से इन्हें अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। आतिफ रशीद दोस्तों आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन की भी शानदार चॉइस हो जाता है, आप इन्हें अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, ये भी आपके लिए लगभग टॉप ऑर्डर में 5 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे। आप देखो तो दोस्तों यहाँ से लाइन से 3 ही ऑप्शन कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी शानदार चॉइस यहाँ से हो जाते हैं, तो आप इन्हें अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन भी चूज कर सकते हो। विजेंद्र रन है दोस्तों, आप इन्हें अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, और ग्रैंड लीग में आप बिल्कुल डेफिनेटली इन्हें अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। रजा बकास आपके लिए शायद खेलते हुए नजर ना आए दोस्तों, मेरे पास टॉस के बाद जो भी फाइनल अपडेट आएगी, जी हाँ दोस्तों प्लेइंग 11 के बाद मेरे पास जो भी अपडेट आएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपने यदि अभी तक आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हो तो कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों टॉस के बाद, जी हाँ दोस्तों टॉस के बाद मैं आपके लिए फाइनल जो टीम होती है वहीं प्रोवाइड कराता हूँ, और जो हमारे कन्फर्म कैप्टन वाइस कैप्टन होते हैं, और दोस्तों प्लेइंग 11 आप देख सकते हो, जो ऑफिशियल प्लेइंग 11 आती है मैं आपके लिए वो भी यहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड कराता हूँ, तो प्लीज़ आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। चलिए बात करें दोस्तों यहाँ से, उसके अलावा सिद्ध की आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो जाते हैं दोस्तों, हालांकि आपके लिए बल्लेबाजी सेक्शन में नजर आएंगे, लेकिन अभी तक इन्होंने बल्लेबाजी नहीं की है, दो मैच ही खेले हैं दोस्तों लास्ट के, और टीम के कैप्टन हैं, लेकिन दोनों में ही गेंदबाजी जिन्होंने की है और एक एक विकेट निकाल कर दिए हैं, तो आप यहाँ से इन्हें अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा राजा बकास हैं आप के लिए खेलते हुए शायद ना आए दोस्तों, यहाँ से नीरव शाह हैं दोस्तों, यहाँ से विजय रत्नम आपके लिए इंपोर्टेंट चॉइस हो जाते हैं, क्योंकि हर एक मैच में लगभग इन्होंने एक विकेट निकाला है, यदि आप एवरेज निकालोगे तो एक विकेट इन्होंने हर एक मैच में निकाला है, तो आप इन्हें अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा चंद्रशेखरन को भी आप अपनी टीम में ट्राई
कर सकते हो। चलिए बात करते हैं एफपीसी की संभावित 11 के बारे में। दोस्तों ये बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है। जी हाँ दोस्तों, अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि कभी किसी को ओपन कराए जा रहे हैं, कभी किसी को ओपन कराए जा रहे हैं। और दोस्तों यहाँ से अपनी प्लेइंग 11 में भी दोस्तों काफ़ी चेंजेस करते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो चेंजेस करते हैं मैंने वो नीचे यहाँ पर लिख लिए हैं। बात करें दोस्तों इनकी ओर से, आपके लिए बिलाल खान, आप इन्हें अपनी टीम में ट्राई करिएगा, इंपोर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं और कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी अच्छी चॉइस हो जाते हैं। दोस्तों शुरुआत में इन्होंने ओपनिंग की, फिर उसके बाद ये दोस्तों 7 नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे थे, लास्ट मैच में फर्स्ट डाउन बल्लेबाजी करने के लिए आए थे। मोहम्मद अकील आपके लिए खेलते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों लास्ट मैच में आप देखोगे यहाँ से आदिल खान ने यहाँ से जाकर ओपन किया था, हालांकि ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, 6 रन बनाए और दोस्तों इन्हें विकेट भी कोई नहीं मिला था। उसके अलावा दोस्तों नदीम कुरैशी आपके लिए ठीक ठाक बल्लेबाज हो जाते हैं और तारिक, और दोस्तों इनके ज़्यादा प्लेयर के बारे में ज़्यादा कुछ कहना दोस्तों पॉसिबल नहीं है। यहाँ से जुनाब आपके लिए इंपोर्टेंट चॉइस हो जाते हैं। इनकी जो दोस्तों प्लेइंग 11 आएगी उसके बाद ही हम इनके प्लेयर परफॉर्मेंस और दोस्तों आपके लिए बैटिंग ऑर्डर कन्फर्म कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों इनका बैटिंग ऑर्डर ज़्यादा कन्फर्म नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हो इनकी बेंच स्ट्रेंथ, यहाँ पर इनमें से उठाकर किसी को भी खिला देते हैं। सरफराज को दोस्तों खिलाया और आपके लिए, हालांकि सरफराज तो दोनों ही खेलते हुए नजर आ जाएंगे। आप देख सकते हो मोहम्मद तारिक सरफराज और यहां से एक सरफराज और हैं दोस्तों, तो सरफराज तो आपके लिए दोनों ही खेलते हुए नजर आ जाएंगे। एस सरफराज सद्दीक सरफराज हैं, तो आपके लिए दोनों ही खेलते हुए नजर आ जाएंगे। अब दोस्तों हम यहाँ से इंपोर्टेंट प्लेयर देख लेते हैं दोनों ही टीमों में। यहाँ से दोस्तों निकल कर आता है आपके नाथन कॉलिंस निकल कर आता है, जैक गॉडविन है, पीटर गैलर है, आतिफ रशीद और दोस्तों यहाँ से विजय रत्नम, ये दोस्तों यहाँ से 5 प्लेयर इनकी टीम की ओर से निकल कर आते हैं। भाई दोस्तों इनकी टीम की ओर से बात करें तो बिलाल खान है दोस्तों, तारिक सरफराज हैं, ये निकल कर आते हैं और दोस्तों आप यहां से एक सरफराज को और ऐड कर सकते हो, एस सरफराज को और ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों कुछ यही प्लेयर इंपोर्टेंट इनकी टीम की ओर से निकल कर आते हैं, ज़्यादा इनकी टीम की ओर से दोस्तों इंपोर्टेंट प्लेयर नहीं है। चलिए यहां से तैयार कर लेते हैं अब दोस्तों माई फेव 11 टीम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों इस एप्लीकेशन की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड कर आपके लिए Raj123 या दोस्तों Raj123 कोड डालना है। इसके लिए खेलने के लिए मैं क्यों सजेस्ट करता हूँ, उसके पीछे रीज़न है दोस्तों। एक तो आपके लिए लो एंट्री फीस, जी हाँ दोस्तों लो एंट्री फीस मिल जाती है, उससे के अलावा 1 से 2 मिनट में आपके लिए बैंक विड्रॉ मिल जाता है। उसके अलावा दोस्तों क्रेडिट इशू फेस नहीं करना पड़ता और दोस्तों नंबर 4 पर आता है, पूरे गेम आपके लिए मिल जाते हैं। तो आप एक बार जरूर इसे ट्राई करिएगा, वह ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। डाउनलोड कर आपके लिए Raj123, जी हाँ दोस्तों Raj123 कोड जरूर डालना है, जिससे आपके लिए दोस्तों ₹50 कैश बोनस आ जाएगा। और फर्स्ट डिपॉजिट पर दोस्तों आप 1 से लेकर 5,000 तक, जी हाँ दोस्तों कितना भी डिपॉजिट करते हो तो आपके लिए 100% कैश बोनस भी मिलता है। तो आप एक बार जरूर से ट्राई कर देखिएगा। एंट्री फीस के बारे में जैसा कि मैं आपके लिए बता रहा था यहाँ से, तो आप एक बार हेड टू हेड और दोस्तों जो स्मॉल लीग है उसकी एंट्री फीस आप ड्रीम इलेवन से कंपेरिजन कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत कम एंट्री फीस देखने को मिलेगी। ये आपके लिए दोस्तों ₹5,219 की मिलती है, जबकि ड्रीम इलेवन पर ₹5,750 की, मतलब ₹550 का दोस्तों आपके लिए ज्वाइन करने से पहले ही फायदा हो जाता है। ऐसे दोस्तों ये 4445 के ड्रीम इलेवन पर लगभग ये 5200 की मिलेगी। तो आप एक बार जरूर दोस्तों इस एप्लीकेशन को ट्राई करिएगा, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसकी मिल जाएगी। टीम का आपके लिए मैं डायरेक्ट यहां से फाइनल प्रीव्यू प्रोवाइड करा देता हूं। आप देख सकते हो दोस्तों जॉर्डन ओब्रायन ट्राई किया है, सिद्दीकी हैं, कॉलिंस हैं और पीटर गैलर है। बात करें दोस्तों यहां से ऑलराउंडर सेक्शन की, बिलाल खान है, सरफराज हैं दोस्तों, यहाँ से जैक गॉडविन और आतिफ रशीद को मैंने टीम में ट्राई किया है। बॉलिंग सेक्शन की विजय रत्ना में दोस्तों सरफराज हैं, एस सरफराज हैं और दोस्तों यहाँ से आदिल खान को मैंने टीम में ट्राई किया है। कोई भी चेंजेस करूँगा दोस्तों टेलीग्राम पर अपडेट करूँगा। और कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में अभी हम डिटेल से चर्चा हमारी ड्रीम इलेवन टीम तैयार करते समय करने वाले हैं। चलिए अब यहाँ से ड्रीम इलेवन टीम तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों यहाँ से विकेट कीपिंग सेक्शन की। लेकिन दोस्तों यदि अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है दोस्तों, जिससे मेरा मोटिव बढ़ता है। मुझे कुछ नहीं होता दोस्तों, आपके लाइक करने के पैसे नहीं लगते और मुझे मिलते नहीं हैं, लेकिन दोस्तों मेरा मोटिव बढ़ता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ से विकेट कीपिंग सेक्शन की। एकमात्र श्योर ऑप्शन है जॉर्डन ओब्रायन दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन में, और आपके लिए यहाँ से कोई ऑप्शन नहीं है। दोस्तों जलील भी आपके लिए अनप्रिडिक्टेबल हैं और दोस्तों कुरैशी भी, तो यहाँ से बिल्कुल सेफ ऑप्शन जैक जॉर्डन के साथ जाना पसंद करूँगा मैं दोस्तों। अब बात करते हैं बल्लेबाजी में दोस्तों हमेशा की तरह आपके लिए ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। नाथन कॉलिंस दोस्तों मेरी बिल्कुल कन्फर्म चॉइस रहने वाले हैं, उसके अलावा गैलर, ये दोनों तो दोस्तों मेरी बिल्कुल कन्फर्म चॉइस रहने वाले हैं। सिद्दीकी के बारे में बताया दोस्तों, आप इन्हें एज अ बॉलर ट्राई करिएगा, बल्लेबाजी ये नहीं करते, अभी तक 2-3 मैच खेले हैं दोस्तों, उनमें बल्लेबाजी इन्होंने नहीं की। कुरैशी दोस्तों लास्ट मैच में इन्हें नहीं खिलाया गया था, यदि खिलाते हैं दोस्तों
तो ये ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे। हालांकि इन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर नहीं दिया। उसके अलावा बिजरेंद्रा ने दोस्तों ये लगभग 5-6 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे। आप चाहो इन्हें अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। हालांकि इनमें एबिलिटी अच्छी है लेकिन दोस्तों उस हिसाब से इन्होंने परफॉर्मेंस कर नहीं दिया। बेग आपके लिए खेलते हुए नजर ना आए दोस्तों, इनके बारे में न्यूज आएगी तो आपके लिए टेलीग्राम पर अपडेट कर दी जाएगी। और दोस्तों यहाँ से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल उपलब्ध नहीं है दोस्तों। यहाँ से आपके लिए सद्दाकत मात्र एक ऑप्शन है, आप इन्हें अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। यदि दोस्तों आप यहाँ से सिद्दीकी को ट्राई नहीं करना चाहते हो तो यहाँ से सद्दाकत को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। फिलहाल की स्थिति में दोस्तों मैं सिद्दीकी को ही ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ये एक सेफ ऑप्शन रहने वाले हैं। चलिए बात करें दोस्तों यहाँ से आपके लिए हमारी ऑलराउंडर सेक्शन की, यहाँ आपके लिए पूरे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बात करें दोस्तों बिलाल खान, तारिक सरफराज, यहाँ से आपके लिए दोनों ही शानदार ऑप्शन हो जाता है। उसके अलावा जैक गॉडविन आपके लिए शानदार ऑप्शन हो जाता है। और दोस्तों बात करें यहाँ से आपके लिए आतिफ रसीद, अब लेकिन थोड़ी ऑप्शन आपके लिए नदीम कुरैशी है दोस्तों, आप इन्हें अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। एक सिर्फ ग्रैंड लीग की चॉइस रहने वाली है, स्मॉल लीग में बिल्कुल आपके लिए मैं सलाह नहीं दूंगा इन्हें ट्राई करने की। उसके अलावा दोस्तों आपके लिए चंद्रशेखरन, आपके लिए ए आप एज अ बॉलर ट्राई कर सकते हो, ये भी आपके लिए ग्रैंड लीग की चॉइस है दोस्तों। उसके अलावा बात करें दोस्तों यहाँ से ग्रैंड लीग की चॉइस आपके लिए अहमद और डोंगर, ये भी दोस्तों आपके लिए ग्रैंड लीग की चॉइस हो जाती है, स्मॉल लीग की चॉइस नहीं है। तो फिलहाल की स्थिति दोस्तों मैं इन चारों के साथ जाना पसंद करूंगा। बैटिंग ऑर्डर ऑलरेडी मैं आपके लिए इन सभी के अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप वीडियो यदि आपने पीछे नहीं देखी हो तो आप एक बार पीछे वीडियो देख लीजिएगा। तो दोस्तों इनकी बैटिंग ऑर्डर और दोस्तों लास्ट परफॉर्मेंस आपके लिए नज़र वहाँ से आ जाएगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों यहाँ से बॉलिंग सेक्शंस की। बॉलिंग सेक्शन में दोस्तों आपके लिए यहाँ से ज़्यादा तो नहीं कहूँगा लेकिन थोड़े ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपके लिए विजय रत्नम शानदार ऑप्शन हो जाता है। यदि आप विजय रत्नम को ट्राई नहीं करना चाहते तो आप इन किसी में से ट्राई कर सकते हो क्योंकि दोस्तों आपके लिए ये भी लगभग खेलते हुए नजर आ जाएंगे। टीम की न्यूज़ आपके लिए टॉस के बाद टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी, तो प्लीज़ मेरी निवेदन है आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। विजय रत्नम को ट्राई करूंगा और दोस्तों यहां से सरफराज को। अब दोस्तों मेरे पास एक चॉइस बचती है, या तो मैं यहां से आदिल खान को ट्राई करूं जो कि लास्ट मैच में ओपन सेकेंड लास्ट मैच में ओपन किया था दोस्तों और गेंदबाजी भी करते हैं। उसके अलावा कुरैशी, आप कुरैशी को ट्राई कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ से आपके लिए यहाँ से शौकत ऑप्शन हो जाते हैं। तो फिलहाल की स्थिति में दोस्तों मैं आदिल खान के साथ ही जाना पसंद करूँगा। अब कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन के दोस्तों आपके लिए तीन ऑप्शन, यहाँ से चार ऑप्शन निकल कर आते हैं बेस्ट आपके लिए दोस्तों। यहाँ से आतिफ रसीद, जैक गॉडविन और गेलर, दोस्तों ये तीन तो हो गए एसके की टीम की ओर से, और इनकी टीम की ओर से निकल कर आता है बिलाल खान। आप इन्हें भी अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो दोस्तों। आप इनमें से अपना कैप्टन वाइस कैप्टन चूज कर सकते हो। फाइनल कैप्टन वाइस कैप्टन दोस्तों आपके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा क्योंकि वहाँ आपके लिए मैं फाइनल टीम उपलब्ध कराता हूँ, तो आप प्लीज़ टेलीग्राम से जुड़ जाएगा। फिलहाल की स्थिति में दोस्तों मैंने ऑप्शन बता दिया है, आप परफॉर्मेंस के हिसाब से दोस्तों अपना दिमाग लगाकर भी कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। यदि आपने वीडियो पूरी देखी होगी तो आप बिल्कुल अपना कैप्टन वाइस कैप्टन चूज कर सकते हो दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देनी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।